मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिनकी मदद से आप आसानी से अपना एक महीने के अंदर 10 किलो वज़न कम कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नंबर वन, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वे सुबह उठकर चाय का सेवन करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको चाय की जगह हर्बल टी या फिर ग्रीन टी का सेवन करना है। अगर आप इसका सेवन करेंगे तो जो आपकी पाचन शक्ति है वो कई गुना मजबूत हो जाएगी। तो आपको सुबह के समय हर्बल टी या फिर ग्रीन टी का सेवन करना है, ये आपके वज़न को तेज़ी से कम करने में आपकी मदद करेगा। नंबर टू, बहुत सारे लोग स्ट्रेस बहुत लेते हैं और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से आप ओवर ईटिंग करने लगते हैं, यानी कुछ भी गलत सलत खाने लगते हैं। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, और स्ट्रेस लेने का सबसे बड़ा कारण है कि आप पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेते हैं। तो आपको सही मात्रा में नींद लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लेना है। नंबर थ्री, आपको ज़्यादातर प्रोबायोटिक फूड का सेवन करना है। अगर आप ज़्यादातर प्रोबायोटिक फूड का सेवन करेंगे तो ये आपके वज़न को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि प्रोबायोटिक फूड का सेवन करने से जो आपकी पाचन शक्ति है वो कई गुना मजबूत हो जाती है, और इससे जो आपकी शरीर की कैलोरीज हैं वो जल्दी बर्न होती हैं, और इससे आपके शरीर में पूरे दिन अच्छी खासी एनर्जी बनी रहती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रोबायोटिक फूड का सेवन करना शुरू करना है। प्रोबायोटिक फूड में मतलब कि क्या क्या आता है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे कि दही हो गया, छाछ हो गया, या फिर इडली हो गई, तो ये सब चीज़ें आती हैं प्रोबायोटिक फूड में। नंबर फोर, सलाद खाना शुरू करें, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या सलाद का बिल्कुल भी सेवन नहीं करते हैं। तो आपको सलाद का सेवन करना शुरू करना होगा, ये आपके वज़न को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि सलाद में बहुत ही अधिक मात्रा में फाइबर होता है, और फाइबर आपके वज़न को बहुत ही तेज़ी से कम करने में मदद करता है। तो आपको सलाद खाना शुरू करना होगा, तो आप आज से ही सलाद खाना शुरू करें। नंबर फाइव, आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम तो सुना ही होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको अपने रात का खाना 8 बजे से पहले पहले ख़त्म कर लेना है, और फिर आपको रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक कुछ भी नहीं खाना है, और आप इसके बीच में सिर्फ पानी पी सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको रात के 8 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक कुछ भी नहीं खाना है। आपको 12 घंटे फास्टिंग करना है, आप सिर्फ पानी पी सकते हैं। नंबर सिक्स, गर्म पानी के साथ नींबू ज़रूर पिए, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपको क्या करना है, आपको सुबह उठकर गर्म पानी के साथ नींबू का रस मिलाकर पीना है। ये आपके पेट को साफ़ रखता है, और ये आपके वज़न को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप सुबह के समय गर्म पानी में नींबू का रस मिलाकर ज़रूर पिए, ये आपके वज़न कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा। तो मैंने आपको जितने भी उपाय बताए आपको इनको अच्छे तरीके से फॉलो करना है। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आप आसानी से अपना वज़न कम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप एक महीने में आसानी से 10 किलो तक वज़न कम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको वज़न कम करने के ऊपर और अधिक जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पर दी गई वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।